ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन और देख लेते हैं कि मिथुन राशि के लोगों के लिए, तो मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, आप अपनी रीडिंग को सन मून जैसे भी आपको रेजोनेट कर सकती है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप पहुँचे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए इस पर कुछ मैसेजेस होंगे। तो जेमिनी देख लेते हैं ओवरऑल क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके लव, ओके लव इज इन द एयर, फ्यूचर, ठीक है, योर फ्यूचर पार्टनर हो सकता है, एंड प्लानिंग। सो नाउ इज़ द टाइम, नाउ इज़ द टाइम टू ले डाउन द फाउंडेशन। लव इज़ इन द एयर, ग्रेट टाइम फॉर कमिटमेंट। कमिटमेंट के लिए कमिटमेंट के लिए टाइम काफ़ी अच्छा है। आप ट्रैवल कर सकते हैं ओवरसीज, ठीक है, या हो सकता है सोशल फन, लाइक सम सॉर्ट ऑफ लाइक सोशल फन अवेट्स यू, ठीक है। काफ़ी टाइम अच्छा है आपके लिए, पॉजिटिव हो सकता है। कुछ नया सेटअप करना है, स्पेशली इट्स अबाउट कमिटमेंट या रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो उसके लिए टाइम अच्छा है। अगर किसी चीज़ की बुनियाद, जैसे कहते हैं ना कि आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो स्टार्टिंग के लिए टाइम अच्छा है, शादी के लिए टाइम अच्छा है, ट्रैवल करने के लिए टाइम अच्छा है, कुछ बिल्डअप करना है उसके लिए टाइम अच्छा है। तो ऑल इन ऑल सीम्स टू बी अ वेरी गुड एनर्जी, ठीक है, कि आप सोच सकते हैं, ठीक है। इस हफ्ते आपको एंजल्स कह रहे हैं कि जा सिमरन, जा जी ले अपनी ज़िंदगी। जस्ट किडिंग, बट क्यों नहीं, हो सकता है ना। चलिए, ओके, व्हाट एल्स, गिविंग योर रिलेशनशिप अ चांस, या गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो ये किस रिलेशनशिप के बारे में बोल रहे हैं एंजल, ज़रा हम देखें। ओके, सो ऐसा लगता है कि समबडी इज़ गोइंग टू मेक एफर्ट, ठीक है, कोई हो सकता है कोई आपकी तरफ कोई एफर्ट्स पुट करे। लव इज़ इन द एयर, ग्रेट टाइम फॉर कमिटमेंट। कमिटमेंट के लिए टाइम अच्छा है। आई थिंक पैशन है आपकी तरफ से, वो पैशन दिखाई दे रहा है। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो एंजल्स कह रहे हैं कि अपने हार्ट को फुली ओपन अप कीजिए। अगर आप चाह रहे हैं रिलेशनशिप में बंद जाना, ठीक है, अगर आपके भी वो यू नो माइंड में वो शादी वाले गाने चलते रहते हैं, आप चाहते हैं, तो इट्स बेटर दैट यू ओपन अप योर हार्ट स्पेस। अलाउ योर हार्ट, अपने हार्ट को, ठीक है, वो अलाउ कीजिए कि वो आगे बढ़े। नाउ इट्स अ गुड टाइम, कमिटमेंट, शादी, हनीमून, ठीक है, इन्जॉय कीजिए, ये एंजल्स कहना चाह रहे हैं। एंड आपकी, अगर आपके पार्टनर के साथ बात करें, आई थिंक इट्स अबाउट लाइक डिस्कसिंग। मुझे ऐसा लगता है कि समबडी इज़ होल्डिंग बैक, ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई होल्ड बैक कर रहा है, बट मतलब अभी ऐसा लगता है कि होल्ड बैक कर रहा है, बट मुझे कहीं ना कहीं आगे दिखाई दे रहा है कि यस, चीज़ें क्लैरिफाई हो सकती हैं। और हो सकता है कि आपका जो ये बॉन्ड है वो इट्स लाइक अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आप दोनों एक साथ आ सकते हैं, कम्युनिकेशन हो सकती है, कोई एफर्ट्स पुट कर सकता है, ठीक है। अब ये कितना ज़्यादा सही है ये हम एंजल से ही पूछेंगे। ओके, सो एंजल से पूछेंगे कि एंजल्स इस पर्सन के बारे में क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो दिस पर्सन सी इट्स लाइक कि ये जो पर्सन है, आप हो सकते हैं समबडी इज़ वॉचिंग यू फ्रॉम फार, कोई आपको देख रहा है, बट दिस पर्सन इज़ लाइक हाउ टू स्टेप फॉरवर्ड, कैसे स्टेप फॉरवर्ड करें। ऑल्दो ये स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, बट थोड़े से अनडिसाइडेड हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या सही तरीका है। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ इश्यूज हुए हों, या थर्ड पार्टी को लेके, या थर्ड पार्टी अगेन वही थर्ड पार्टी कुछ तो है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज कुछ तो हैं, ठीक है। और इट्स लाइक या तो ये वेट कर रहे हैं पर्सन कि आपको सही टाइम पर रीच आउट करें। आई थिंक देर इज़ लाइक लॉट ऑफ यू नो कि ऐसा लगता है लाइक मैन्यूपुलेशन और गेम्स, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है देर इज़ अ चेंज कमिंग, कुछ चेंज आ सकता है। बिकॉज लव एंजल्स ने बोला है कि हाँ कि इट्स अ गुड टाइम कमिटमेंट के लिए या नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, तो चीज़ें बदल सकती हैं,
ठीक है, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं, जो चीज़ें रुकी हुई थी मुझे ऐसा लगता है कि वो आगे बढ़ सकती हैं, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। ये जो पर्सन है, यू कैन एक्सपेक्ट अ कम्युनिकेशन, किसी से आप ऑनेस्ट कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए फिर वही बात है, किसी को थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि ये पर्सन बहुत स्लो टाइप के हैं, ठीक है, बट यू कैन एक्सपेक्ट अ कम्युनिकेशन फ्रॉम समबडी, मतलब फीलिंग्स का और इमोशंस का कोई अपना इजहार कर रहा हो या कुछ धीरे धीरे यू नो लाइक टॉकिंग टर्म्स पे आ रहा हो, वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। बट अगेन फिर वही बात है कि ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर, कि इज़ इट अबाउट अ यू नो, जो लोग सिंगल हैं कि कोई न्यू रिलेशनशिप है, कुछ भी है वो आपको पता है, बट येस आई थिंक देयर इज़ अ यू नो रोमांटिक फीलिंग्स हैं और एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, तो एंजल्स कह रहे हैं यहाँ पे आप एफर्ट्स पुट कर सकते हैं, या सामने वाला ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स, यू आर गाइडेड टू टेक स्टेप, ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर को वो उनको वो गाइडेंस मिल रही हो टू स्टेप फॉरवर्ड इन लाइफ, तो वेट कीजिए, आपकी लाइफ में भी कोई जल्दी आ सकता है और आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए अब हम करियर की बात कर लेते हैं कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो करियर वाइज वी आर गेटिंग दैट सेवन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, ओके। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है अगेन लाइक सोर्स ऑफ इनकम या कुछ आप सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं, या फ्रॉम हियर टू देयर आप कुछ सोच रहे हैं, हाउ टू यू नो लाइक आपके माइंड में कुछ चल रहा है, मे बी इट्स अबाउट अ सेकेंड अर्निंग, या हो सकता है कि कुछ सोच रहे हैं कि कैसे आप प्लान आउट करें, हो सकता है आप किसी चीज़ को लेके क्रॉस रोड पे हैं, आप उस आ चुके हैं कि हाउ यू नो, या फिर आप ऑफर का वेट कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि कैसे आप यू नो आप सेकंड ऑफर का वेट कर रहे हो, या आप किसी भी यू you नो know, आप सोच रहे हो कि कैसे होगा, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट दैट कि ठीक है आप अपना काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत और आप ईमानदारी से कर रहे हैं, बट अब वो लेवल आ चुका है, आप एक्सपैंड करना चाहते हो, बेसिकली यस एक्सपेंशन इज़ द वर्ड, कि आप कुछ एक्सपैंड करना चाह रहे हो अपना बिजनेस, और वो सोच रहे हो कि कैसे होगा क्या होगा, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। सो घबराइए मत, एंजल्स आपके साथ है उसमें, पेशेंस रख के चलिए, ठीक है, कि थोड़ा अपने आप को और खर्चे पे आप थोड़ा सा कंट्रोल करने कीजिए। हो सकता है फाइनेंसेस को लेके ही कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ दिक्कत आ रही हो, आप वरिड हो अपने फाइनेंसेस को लेके, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं साईं बाबा का क्या मैसेज है। अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दैट मींस कि अपनी तरफ अट्रैक्ट कीजिए अच्छी चीज़ें, ठीक है, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। इस टाइम पे एंजल्स कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं कि इस टाइम पे आप जो अच्छा सोचेंगे वही आपके साथ होगा, ठीक है। सो अच्छा सोचिए, बिलीव कीजिए, डोंट बिलीव एवरीथिंग, ओके। तो यहाँ बाबा ये भी कहना चाह रहे हैं कि अच्छी चीज़ें सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव बिल्कुल भी मत सोचिए। एंड थ्री मैजिक्स, वो क्या है, हैव गुड थॉट्स, ठीक है, इसका मतलब अच्छा सोचिए, गुड वर्ड्स अच्छा बोलिए, और अच्छे कर्म कीजिए, ऑल दीज विल कम बैक टू यू, ये सब कुछ आपके पास वापस आने वाला है, ठीक है। तो तीन चीज़ें हैं, अच्छा सोचना, अच्छा बोलना और अच्छा करना, ये दिस शुड बी योर मोटो, ठीक है। बाकी सारी नेगेटिविटी से दूर रहिए एंड रीड होली बुक्स एज वेल। बाबा कह रहे हैं कि आप होली बुक्स पढ़िए, आपके लिए अच्छा है, आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है, काफ़ी अच्छा हो सकता है। आप साइंस चरित्र पढ़ सकते हैं और एनीथिंग, जो भी जिनके साथ भी आप कनेक्ट करते हैं, आपके भगवान, आपके गुरु इष्ट, भगवान एक है लेकिन हर कोई उनको अलग रूप में यू नो कोई बाबा के रूप में, कोई उनको साईं बाबा के रूप में, शिव जी के रूप में, गुरु जी के रूप में, है ना, तो जिनको आप मानते हो, ओके। व्हाट एल्स, या आई मीन देयर आर थिंग्स, कुछ चीज़ें हैं लाइक हो सकता है भगवान आपके लिए वो डोर्स ओपन अप कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए भगवान वो नए दरवाजे खोल रहे हैं, वो चीज़ दिखाई दे रही है, यस कि आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ इन लव ऑल्सो, ठीक है, कि लव लाइफ में भी, करियर में भी, कि भगवान आपके लिए वो नए दरवाजे, डेफिनेटली आई थिंक इट्स अबाउट अ पीरियड ऑफ, मुझे लगता है कि एक तो आप इमोशनली फाइनेंशियली कोडिपेंडेंसी से बाहर निकल जाइए, ठीक है, अपने डिसीजंस खुद लीजिए, आपको जो ठीक लगता है, और भगवान आपको रास्ते दे रहे हैं, एक नहीं दूसरा नहीं, कोई रास्ता होगा जो आपको सही दिशा में लेकर जाएगा, ठीक है। और इट्स ऑल्सो अबाउट गेटिंग टुगेदर, मुझे ऐसा लगता है फाइनली यू विल क्या बोलते हैं उसको कि
वट इज़ मेंट फॉर यू इज़ कमिंग, तो वो चीज़ हो सकती है, ठीक है ना। सो बस आपको अब सरेंडर करना है और आपको बिलीव करना है इन द डिवाइन। तो ये थी आप लोगों की ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल रीडिंग, और आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।